संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का आरोप लगाया तो विपक्ष की तरफ से सफाई आनी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दिए गए बयान पर सफाई दी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि खड़गे ने सम्मान के तौर पर निर्मला सीतारमण को माता जी कहा था। दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक राज से आते हैं, अम्मा शब्द वहाँ पे तो हर भद्र महिला के लिए कहा जाता है जिसको आप सम्मान देते हैं, तो सम्मानित महसूस करना चाहिए निर्मला जी को। माता जी अम्मा का ट्रांसलेशन ही तो है। खैर, मैं उस पर नहीं पढ़ता, पर खड़गे जी कल जो सारे देश की भावना है उसका प्रकटीकरण कर रहे थे। क्या मिला है किसी को? एक दो राज्यों को, वो आपकी मजबूरी है सरकार बचाने के लिए, उन्हीं के बैसाखियों पर बैसाखी छीन लेंगे, आप भड़ाम से गिर जाएंगे। तो खड़गे जी ने सांकेतिक रूप से वही इशारा किया, उन्होंने किसी राज्य का नाम तो लिया नहीं, ये तो राज्य का नाम अपने आप डाल रहे हैं। हमने तो खड़गे जी ने दो राज्यों के बारे में कहा। कल खड़गे ने राज्यसभा में निर्मला सीतारमण पर क्या कहा था वो पहले आपको सुना देती हूँ, तो इस बयान का कॉन्टेक्स्ट आपके सामने और ज्यादा क्लियर होगा। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। संसद के दोनों सदनों में कल बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।